जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और वीडियो में। देखो सामने चमचमाती हुई महिंद्रा XUV 3XO खड़ी है, लेकिन अगर वेरिएंट की बात करें ना तो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट AX5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल में आपको सामने देखने के लिए मिलेगा। टर्बो इंजन मिल जाता है इसके अंदर। दोस्तों सीधा सीधा इसका कॉम्पिटिशन जो है ना टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव वेरिएंट से है, ठीक है। तो आज देखेंगे हम इस वेरिएंट के अंदर कि कितनी आपको सहूलियत, मतलब कितनी बेस्ट है टाटा पंच से, क्या क्या फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं टाटा पंच से, और अंदर के जो इंटीरियर है, फिट एंड फिनिश है और लुक्स हैं वो कितने अलग आपको टाटा पंच से देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले क्या कुछ मिलेगा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी चाबी दिखा देता हूं आपको। चाबी देखो कुछ इस तरीके की मिलेगी। गाड़ी को लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के बटन मिल जाते हैं, साथ में ये फिजिकल की मिल जाती है और पीछे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। दूसरी चाबी की बात करूँ तो सेम दूसरी चाबी मिलती है, तो दो रिमोट की आपको सेम एक जैसी देखने के लिए मिल जाती है। अब चलो बात करते हैं और फ्रंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं। तो XUV 3XO AX5 पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट आपके सामने खड़ा है। एक्सोरूम कीमत की बात करें तो 10,70,000 रुपये आपको एक्सोरूम कीमत देखने के लिए। तो देखो अब सबसे पहले इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, 109 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। अब देखो फ्रंट से देखेंगे क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रंट में देख लो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे और इसी यूनिट के अंदर आपको DRL मिल जाती है। मैं आपको बाद में शॉर्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प मिल जाती है। इस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर फॉग लाइट नहीं देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद ग्रिल देख लो भाई, नेक्सॉन में बंद आई तो इसके अंदर भी बंद आ गई। महिंद्रा के अंदर यहाँ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, ये क्रोम में स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। नीचे रेडिएटर ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, ठीक है। साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो व्हील आर्चेस देख लो, काफ़ी चौड़े चौड़े से मिल रहे हैं और ये कट पता नहीं क्यों लगा रखा है व्हील आर्चेस के ऊपर, ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। टायर साइज देख लेते हैं तो नीचे आ जाते हैं और 205/65 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का यहाँ पर आपको टायर सेक्शन मिल रहा है। फ्रंट में डायमंड कट एलॉय व्हील डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और अब साइड प्रोफाइल पे इधर आ जाएं तो देखो इंडिकेटर देख लो, ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। ORVM आपको ब्लैक कलर में मिलेगा और ये गाड़ी का जो कलर है ये नेवी ब्लू कलर है, और ये जो नीचे का पार्ट है ना ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। डोर पे देखें तो डोर रुक सेंसिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद पीछे की तरफ आ जाएं तो देखो ये कट आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से व्हील आर्चेस के पीछे। ये हो गया पीछे का सेटअप। इस तरफ आ जाएं तो देखो टेल लाइट इंडिकेटर तो ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा और कनेक्टेड टेल लैंप ट्रेंड चल रहा है भैया कनेक्टेड का, तो अब हर गाड़ी के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लैंप ही देखने के लिए मिलती है। देख रहे हो इस तरीके से मिल जाएगी। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, ये एक सिल्वर सी गार्निशिंग मिल जाती है। एक रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पर और एक यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद एक रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखें पीछे तो देखो XUV 3XO की ब्रांडिंग, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। ये है दोस्तों इसका पीछे पीछे का सेटअप। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएं यहाँ पर ग्लास पे तो देखो डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगी, वॉशर मिल जाएगा और ऊपर एंटीना देखें तो बड़ा वाला मिल जाएगा। और इस तरफ आ जाएं तो देखो ये रूफ रेल्स के ऊपर भी आपको डिजाइनिंग देखने के लिए मिलेगी और पियानो ब्लैक फिनिश में रूफ रेल मिलेगी। बी पिलर की बात करें ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलते हैं और ऊपर सनरूफ मिल जाएगी इस वेरिएंट में, छोटी वाली मतलब जो नेक्सॉन में आती है उतनी बड़ी आपको सनरूफ मिलेगी। यहाँ पर फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको जो है 42 लीटर की देखने के लिए मिलती है, नेक्सॉन में 44 मिलती है, आपको यहाँ पर 42 मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिल जाती है। अब एक काम करते हैं बिना देरी किए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंदर आपको और क्या कुछ देखने के लिए। तो दोस्तों आते हैं अंदर की तरफ और करते हैं डोर को ओपन इस तरीके से, और यहाँ पर देख लो भाई दो ट्रिम्स देख लो। पहले देखो अंदर जो है ऑफ वाइट कलर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, यहाँ पर ये सब पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए ये चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाएगा, और यहाँ पर देखो गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM मिल जाएंगे। एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है, दो बॉटल होल्डर मिल जाते हैं,
मैप पॉकेट मिल जाता है। ये कुशनिंग लेदर में आपको देखने के लिए मिलेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर डोर हैंडल सिल्वर टोन में और सिल्वर फिनिश के साथ देखेंगे। अंदर की तरफ देख लो, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर बात करें तो देखो, सीट के अंदर हाइट एडजस्टेबल मिलेगा, और सीटिंग की बात करें तो फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी सीट के ऊपर। हालांकि थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है और कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। नीचे की तरफ देख लो तो तीनों ही पैडल आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन और हेडलाइट एडजस्टेबल मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाएं तो एसी वेंट का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो बिना देरी के अंदर बैठ जाते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं अंदर की तरफ और एक काम करता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो धूप ज्यादा इज रनिंग ऑन लो फ्यूल, ठीक है ठीक है ठीक है, हम भैया पेट्रोल भरवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑटो वाइपर वगैरह आपको सब देखने के लिए मिल रहे होंगे ऑप्शन। यहाँ पर बीच में आपको पूरी डिस्प्ले मिल जाती है, यहाँ पर आपको पूरा स्पीडोमीटर मिलेगा, ठीक है। और इस तरफ जो है टैकोमीटर मिलता है। एक काम करता हूँ रेस देता हूँ, तो आपको ये सुई ऊपर जाती हुई दिखेगी, देख रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखेगा और यहाँ पर टेम्परेचर दिख जाएगा, इस तरीके से मिल जाता है। स्टेयरिंग पे बात करूँ तो ऑलमोस्ट सभी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, इवन क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिलेंगे, बीच में महिंद्रा का लोगो, और यहाँ पर फ्लैट बॉटम नहीं मिलती है आपको, लेकिन ये पियानो का टच वगैरह बहुत शानदार लग रहा है। देखते हैं टिल्ट मिलता है या टेलीस्कोपिक मिलता है या दोनों। देखो टिल्ट तो मिल रहा है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं मिल रहा है, अरे बाप रे बड़ा टाइट है। उसके बाद देखो इस तरफ आ जाए तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। अब देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो 10.25 इंच का था, और यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ऑलमोस्ट ये भी 10.25 इंच का ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, और देखो बड़ा शानदार सा लग रहा है दोस्तों इसका जो पड़ रहा है। ये देखो ये मैपल्स में इंडिया का वो है, इसे एग्जिट ऐप करना पड़ेगा, एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऑटो यहाँ से हो जाएगा, पेयर करना पड़ेगा, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। और देखो एक चीज़ और बताऊँ, ये देखिए ये मैंने ओपन कर दिया, इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, शानदार दे रखा है दोस्तों, टच भी अच्छा है इसका, ठीक है। कहाँ पहुँच गए, काबुल पहुँच गए क्या, ठीक है। तो इस तरीके से देख लो, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको सेटअप में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर ये वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। एसी वेंट का डिजाइन देख लो, इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर देखो भैया पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए इंडिकेशन मिल जाता है, हेजार्ड बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा, और यहाँ पर भैया ये है आपका मोड चेंज करने के लिए। यहाँ पर जैसे इको मोड, कंफर्ट मोड वगैरह होते हैं ना, देखो यहाँ पर देखो कंफर्ट मोड आ गया, उसके बाद नॉर्मल मोड आ गया, उसके बाद स्पोर्ट मोड आ गया, फिर से कंफर्ट मोड आ गया, मतलब मोड चेंज करने के लिए आपको ये बटन मिलेगा। उसके बाद देखो ये शायद डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, ये फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। मेमोरी फीचर मिल रहा है, मतलब भैया याद रखेगा किसको कितनी मतलब उसकी ज़रूरत है। डुअल के लिए देखो यहाँ पर ये बटन भी दे रखा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाए तो टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर देखें स्पेस, तो स्पेस अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये अच्छी चीज़ है। ये आप देख रहे हो सेटअप, ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है, कॉइन नहीं रखना है, यहाँ स्मार्ट की नहीं रखनी। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। ये देखो ये लेदर में मिल जाता है, यहाँ पर सिल्वर टच आपको मिलेगा, पियानो ब्लैक का टच मिलेगा। यहाँ पर देखें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड आपको यहाँ पर इस तरीके से पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो AX5 के अंदर भैया ओ माई गॉड ऐसा लग रहा है AX7 वाली लगा दी है, ये व्हाइट कलर देख के तो जज कर लो मेरा हाथ कितना जा रहा है आर्म रेस्ट के अंदर। तो इस तरीके से ये आर्म रेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस तरफ, तो देखो ग्लोव बॉक्स देख लो पहले, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में व्हाइट कलर का, और देखो एंटीना पड़ा हुआ है, एंटीना इतना बड़ा मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाऊं, इसके अंदर कुछ और मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन गंदा कुछ ज़्यादा नहीं होगा, व्हाइट कलर लग तो अच्छा रहा है दोस्तों शोरूम में खड़ा हुआ। उसके बाद डोर ट्रिम्स वगैरह आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, बहुत शानदार लग रहा है। ये कुशनिंग वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर बात करें आप डैशबोर्ड पे, तो देखो 3 टोन देखेंगे, 3 लेयर। यहाँ पर आपको रफ ये टच मिल जाता है प्लास्टिक में, यहाँ पियानो टच मिल जाता है, और यहाँ व्हाइट टच मिल जाता है। ये सब है प्लास्टिक में ही, लग ऐसा रहा है कि लेदर में। देखो स्टीयरिंग व्हील पर मैं भूल गया था, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद देखो अब ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर ये इस तरीके से सनशेड आपको देखने के लिए मिलेगा व्हाइट टच में, और अंदर दोस्तों पूरा गाड़ियों में ब्लैक आता है लेकिन इसमें आपको व्हाइट मिल रहा है। यहाँ पर देखो डे नाइट वाला आपको IRVM मिल जाएगा, क्या सनग्लास होल्डर मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ पर देखो सनरूफ के लिए मिल जाता है, धूप बहुत ज़्यादा है, हल्का सा खोल के दिखाऊंगा ये देखो, ठीक है। बंद करना है तो इस तरीके से कर दो, तो ये सनरूफ के लिए मिल जाता है, सनरूफ का मैंने आपको दिखाई दिया, इसे मैं ओपन कर देता हूँ, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ इस तरफ देखो तो देखो ये इस तरीके से मिल जाता है, यहाँ पर ये पीछे लाइट ऊपर और यहाँ वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और ये इसे बंद कर दो इस तरीके से। यहाँ पर ये जो लाइट है ये रह गई दोस्तों इसे जलाने के लिए इस तरीके से, येलो कलर में माइक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, ये रह गया, ये देखो ग्रैब हैंडल सॉफ्ट टच के साथ में। एयरबैग की बात करूँ तो देखो 6 एयरबैग गाड़ी में बेस वेरिएंट से मिलते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस तरीके से इसका सेटअप। अब एक काम करते हैं सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब करता हूँ मैं इसे ओपन पीछे, और ये देखो भाई यहाँ पर देखो डोर ट्रिम्स देख लो, शानदार ग्लॉस ब्लैक फिनिश में लगेंगी। यहाँ स्पीकर, यहाँ पर ये डोर हैंडल्स, बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट मिल जाते हैं। इस तरफ से देखें तो ये देखो भाई लग्जरी और प्रीमियमनेस, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही है आपको, एक यहाँ पर और एक वहाँ पर, ठीक है। 60-40 में सीट स्प्लिट हो जाती है, साथ में आपको आर्म रेस्ट भी मिल रहा है। आर्म रेस्ट में दिखा देता हूँ, ये देखो कप होल्डर और आर्म रेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। पीछे बैठ कर बात करते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो आ जाते हैं पीछे की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से ये AC वेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और नीचे एक 12 वोल्ट का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है कुछ इस तरीके से पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियत। डोर ट्रिम वगैरह देख लो कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो डैशबोर्ड आपको लुकिंग देखो कितनी शानदार लग रही है, मज़ा आ रहा है। नहीं नेक्सॉन से मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, लुक्स में बहुत शानदार लुक्स लग रहा है। ऊपर देखो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एक यहाँ पर ये लाइट और मिल जाती है येलो कलर की। अब एक काम करते हैं इसका टेलगेट ओपन करते हैं और देखते हैं टेलगेट के अंदर और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो करते हैं ओपन टेलगेट को, तो वैसे तो चाबी से भी हो जाता है लेकिन ये देखो कैपेसिटी बता दूँ 264 लीटर, 264 लीटर कैपेसिटी का आपको यहाँ पर बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। और देखो ये 60-40 में स्प्लिट हो जाती है, जगह दिख रही होगी। यहाँ पर ये मैक्सिमम 5 किलो पेलोड का एक हुक, यहाँ पर एक 7 किलो पेलोड का हुक। यहाँ पर इसे ओपन कैसे करना है इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पर इसे ओपन कैसे करना है इस तरीके से, तो ये मिल जाएगा सेटअप, ठीक है। उसके बाद देखो लाइट वाइट का तो कोई सिस्टम नहीं दे रखा है, लेकिन अगर नीचे बात करें स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील आपको जो है भैया 1 इंच छोटा मिलेगा दोस्तों, स्पेयर व्हील 1 इंच छोटा मिलेगा बाहर से, बाहर 16 है तो अंदर 15 है। और यहाँ पर टेलगेट देखें, प्रॉपर फिनिश मिल जाएगी, प्रॉपर कवरिंग मिल जाएगी टेलगेट पे, ठीक है। तो शानदार लग रहा है, इसे मैं कर देता हूँ मैं बंद इस तरीके से। XUV 3XO की ब्रांडिंग यहाँ पर दिखी रही है। अब एक काम करता हूँ हुड खोल के देख लेता हूँ हुड के अंदर क्या कुछ मिलेगा, और करता हूँ ऐसे ओपन और आ जाता हूँ फ्रंट में। अरे बाप रे भैया बहुत भारी है, देखो इंसुलेशन सीट वगैरह देख लो, वजन बहुत है, टाटा ही नहीं है दोस्तों वजन के मामले में, हाथ जले जा रहा है मेरा। उसके बाद देखो भाई ये है 3 सिलेंडर इंजन, भरा भरा सा लग रहा है, टर्बो इंजन है पूरा, टर्बो का सेटअप ये मिल जाएगा। और ये देखो इस तरीके से ये रहा सेटअप टर्बो का। यहाँ पर कूलेंट वगैरह बंद कर देता हूँ, हाथ जल रहा है, ठीक है। आ जाता हूँ पीछे की तरफ, हाँ। तो दोस्तों ये थी महिंद्रा XUV 3XO AX5 वेरिएंट, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, 10,70,000 एक्सोरूम कीमत में, पेट्रोल में, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, ठीक है। सीधा सीधा कंपटीशन टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव वेरिएंट से है। गाड़ी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।